हेलो फ्रेंड्स, पीसी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कोलाइड के बारे में देखा था कि कोलाइड जो है विलयन और निलंबन से किस प्रकार से डिफरेंट है। कोलाइड वास्तव में कोई पदार्थ नहीं था बल्कि एक पदार्थ की अवस्था थी, विलयन और निलंबन इन दोनों के बीच की एक अवस्था थी। तो उसके साथ में अपन ने कंपैरिजन किया था कोलोइड, निलंबन और विलयन तीनों के मध्य। आज अपन आगे स्टडी करते हैं, तो आज अपन कोलोइड का वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। वर्गीकरण करने से पहले अपन एक चीज और देखते हैं, जैसे विलयन होता है, विलयन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो विलयन बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, विलायक, और इस विलायक में अपने को विलेय मिलाना पड़ता है। जो ज्यादा मात्रा में जो पदार्थ घोला है उसको विलायक बोल देंगे, जिसको कम मात्रा में घोला है उसको विलेय बोल देंगे। ठीक है, ऐसे ही अपना है कोलोइड, इसमें भी ऐसे ही आपको पदार्थ घोलने हैं। एक जैसे आपने विलायक ले लिया ज्यादा मात्रा वाला, फिर उसमें एक कोई दूसरा पदार्थ घोल दिया थोड़ी सी मात्रा में। लेकिन आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में लिया है उसको यहां हम विलायक नहीं कहेंगे, विलायक तो विलयन में बोलते हैं, कोलोइड में उसको हम विलायक नहीं कहेंगे, और जिसकी मात्रा कम है उसको विलेय नहीं बोलेंगे। तो फिर क्या बोलेंगे, जिसकी मात्रा ज्यादा ली है आपने उसको हम बोलेंगे माध्यम, और जो आपने कम मात्रा में लिया है उसको अपन बोलेंगे प्रावस्था। ध्यान दीजिए, बस आप इतना ध्यान में रख लीजिए, कोलोइड में जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होता है उसको माध्यम कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसको प्रावस्था कहते हैं, ध्यान रखना। तो आप कोलोइड में जैसे मैं विलायक शब्द का प्रयोग भी करूं तो आप समझ जाना कि मैं क्या कहना चाहता हूं, माध्यम, या जैसे मैं कहूं कि विले तो आप समझ जाना क्या है, प्रावस्था। आगे बात समझ में, एक होता है माध्यम और दूसरा होता है प्रावस्था। वास्तव में जो माध्यम और प्रावस्था है इनके पूरे नाम होते हैं, जैसे माध्यम है तो इसको अपन पूरा तो कहते हैं परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं, जो ज्यादा मात्रा में अवयव पाया जाता है उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, लेकिन अपन शॉर्ट में केवल इसको माध्यम ही बोलेंगे। और जो प्रावस्था है उसका भी कंप्लीट नाम होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, लेकिन अपन उसको केवल प्रावस्था के नाम से बोलेंगे। आप समझ गए, इसका मतलब विलायक, इसका मतलब विलय, सीधा सा। अब अपन इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। आज अपन कोलाइड का जो वर्गीकरण है वो होता है तीन प्रकार से, तीन बेस है कोलाइड के वर्गीकरण। कोई भी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण होता है तो उसके लिए कोई बेस, कोई आधार होना चाहिए। कोलाइड का वर्गीकरण तीन आधार पर करेंगे। नंबर एक, जो प्रावस्था और माध्यम, प्रावस्था माध्यम का मतलब विलायक और विलेय, एक तो उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर, जैसे आप ठोस में द्रव घोल रहे हैं, द्रव में गैस घोल रहे हैं, किस में क्या घोल रहे हैं, एक तो उसके बेस पर वर्गीकरण करेंगे अपन। एक करते हैं प्रावस्था और माध्यम के बीच में आकर्षण लग रहा है या प्रतिकर्षण लग रहा है, इसके बेस पर। और तीसरा वर्गीकरण अपन करेंगे जो प्रावस्था के कण है यानी विलेय के कण है उनकी साइज कितनी है, वो कितने बड़े हैं, एक उसके बेस पर। तो आज का अपना जो वर्गीकरण है, पहला वर्गीकरण वो है प्रावस्था और माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। समझ गए, एक बात और ध्यान दीजिए, जो माध्यम है वो अगर जल, जैसे जल में अपन कोई प्रावस्था घोल करके कोलाइड बन रहा है तो उस कोलाइड को हाइड्रोसोल कहा जाता है। अगर H2O के साथ में अगर आपने कोलाइड तैयार किया तो उसको हाइड्रोसोल कहते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे एल्कोहल के साथ तैयार कर रहे हैं आप तो उसे एल्कोसोल बोल सकते हैं, बेंजीन के साथ में बेंजोसोल बोलते हैं, लेकिन H2O वाले को आप ध्यान रखेंगे, जल के साथ में अगर आपने तैयार किया तो उसको हम हाइड्रोसोल कहते हैं। बाकी अलग अलग जितने भी कोलाइड बनेंगे सबके अलग अलग नाम होते हैं। देखिए वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं, टोटल कितने प्रकार का होगा, क्रम संख्या में लिख देंगे अपन। उसके बाद में अपना माध्यम, कि माध्यम आपका कैसा है, ठोस है, द्रव है या गैस है, यानी विलायक। फिर उसके बाद में आपका विलेय, विलेय पदार्थ कैसा है, प्रावस्था, ठोस, द्रव या गैस। उसके बाद में जो अलग अलग कोलाइड्स बनते हैं उनके जैसे अलग अलग नाम भी होते हैं सबके, तो यहां पर अपन उस कोलाइड का नाम बताएंगे और फिर आगे हम बता देंगे आपको उदाहरण कि उस कोलाइड का अपने दैनिक जीवन में ऐसा कौन सा उदाहरण। तो सबसे पहला अपन ले लेते हैं माध्यम, ठोस ले लेते हैं, ठीक है। पहले ठोस में गैस को घोल देंगे, फिर ठोस में द्रव, फिर ठोस में ठोस,
जैसे विलयन बनाए थे ठीक उसी प्रकार से, जैसे विलयन भी हमने ऐसे बनाए थे, ठोस में ठोस, ठोस में द्रव, द्रव में गैस, ठीक उसी प्रकार से। तो पहले अपन जो विलायक है यानी जो माध्यम है वो क्या रखते हैं अपन, ठोस रखते हैं, ठीक है। माध्यम क्रम संख्या नंबर एक, माध्यम कैसा है अपना, ठोस। अब इसमें प्रावस्था, प्रावस्था का मतलब आप इसमें क्या घोलने वाले हैं, तो इसमें मैं गैस को घोल देता हूं सबसे पहले, पहले गोस गैस फिर द्रव फिर ठोस, इस क्रम में अपन चलते रहेंगे। ठोस विलायक में यानी ठोस माध्यम में हमने गैस प्रावस्था को घोल करके एक विलयन तैयार कर लिया है। ये जो आपने विलयन बनाया है, इस विलयन यानी उस विलयन का मतलब कोलाइड मिश्रण, उस वो जो कोलाइड है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होता है ठोस फोम। ध्यान रखना, ठोस माध्यम में गैस प्रावस्था यानी ठोस में कोई गैस घोल दी और जो मिश्रण बना है कोलाइड बना है उसे अपन क्या कहते हैं, ठोस फोम कहा जाता है। इसका कोई एग्जाम्पल, इसका नॉर्मली सीधा सा याद रहने वाला एग्जाम्पल है केक, आजकल नॉर्मली सब यूज में लग देते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं रबड़, अगर प्रत्येक कोलोइड के आपके एक एक उदाहरण ध्यान में है तो चलेगा, या दो उदाहरण ध्यान में रखिए, अगर बाय चांस एक मिस भी हो जाए तो आप सबके दो दो उदाहरण अगर ध्यान में रख लेंगे तो पर्याप्त। तो ये पहला अपना कोलाइड कंप्लीट हो गया जिसका नाम है ठोस फोम। चलिए नेक्स्ट, इस बार हम ठोस में क्या घोलते हैं, लिक्विड घोलते हैं, द्रव घोलते हैं, तो कोलाइड बनकर के तैयार हो जाएगा। जो कोलाइड बनेगा उसका नाम क्या होगा, जेल। जो कोलाइड बनकर के तैयार हुआ है उस कोलाइड का आपने नाम क्या रख दिया है, जेल। जैसे इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है मक्खन, याद रह जाएगा इसे, पनीर सबका देखा हुआ, सबका यूज में लिया हुआ पनीर। ये क्वेश्चन एक बार पूछ भी चुके हैं कि जो पनीर है वो किस प्रकार का कोलाइड है, पनीर किस प्रकार का कोलाइड है, जेल प्रकार का कोलाइड है। या फिर आप बता सकते हैं कि ठोस माध्यम में द्रव प्रावस्था को विलय करके तैयार किया गया कोलाइड कौन है, पनीर। इस प्रकार से आप सॉरी पनीर के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट ठोस, अब अपन ठोस में क्या घोलते हैं, ठोस ही घोलते हैं, कोलाइड बनके तैयार। अब अपना जो कोलाइड बनकर के तैयार हुआ उस कोलाइड को नाम अपन देंगे ठोस सोल। सोल आगे एक कोलाइड और आएगा, इस कोलाइड का नाम ठोस सोल है, सोल नहीं है बल्कि क्या नाम है, ठोस सोल। ये आपको कोलाइड का नाम है जी, पूरा ध्यान में रखना। इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल जैसे ठोस में ठोस बोलना है पड़ेगा, तो जितने यानी जो कोलाइड बनेगा वो ठोस ही होगा, जितने भी अपने खनिज हैं, खनिज पदार्थ जितने भी हैं उसमें ठोस में ठोस ही घुले हुए रहते हैं, ठोस ही होता है, तो वो ठोस सोल का एग्जाम्पल है। जितने भी रत्न हैं, या आप रत्न का नाम बता सकते हैं जैसे रूबी, नीलम, इस प्रकार से आप रत्न का नाम बता सकते हैं। ये हो गया अपना कौन सा, तीसरे प्रकार का कोलाइड हो गया ठोस सोल। इसमें जैसे आप नॉर्मली नाम ध्यान में रहे तो नाम बता सकते हैं, या खनिज बता दीजिए, कोई खनिज का नाम ध्यान में रहे तो आप वो बता सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल अपनी इच्छा के अनुसार बता सकते हैं। आगे चलते हैं, तीन प्रकार के कोलाइड हो गए, ठोस फोम जेल ठोस। नेक्स्ट नंबर चार, अब अपना जो विलायक है, विलायक का मतलब आप यहां पर समझ रहे होंगे यानी माध्यम, वो हम अब ठोस से चेंज करके और क्या ले लेते हैं, लिक्विड ले लेते हैं। ये लिक्विड ले लिया मैंने, और ठीक इसी प्रकार से तीन बार ही लिक्विड के लिए बनेगा। द्रव विलायक है, प्रावस्था वैसे आपको कंटिन्यू चेंज करनी है, पहले गैस फिर द्रव उसके बाद में अपन ठोस ले लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं द्रव के अंदर क्या विलय कर देता हूं, गैस लिख दू तीनों, उसके बाद में अपन द्रव में द्रव, फिर अपन द्रव में क्या करेंगे, ठोस करेंगे। तो चौथे प्रकार का कोलाइड देखिए, द्रव अपनी माध्यम है, द्रव प्रावस्था है, कोई लिक्विड ले लिया मैंने और उसके अंदर आपको गैस बोलनी है, उसके अंदर अपने को क्या बोलना है, गैस। गैस बोलने से जो कोलाइड तैयार होगा उसका नाम क्या होगा, झाग। झाग का एक दूसरा नाम और होता है फेन,
ये जो कोलाइड बनकर के तैयार हुआ है इसको अपन झाग या फेन कहते हैं, या फिर इस कोलाइड का एक अदर नाम और होता है फोम। इस कोलाइड का दूसरा नाम क्या है? फोम। ठोस सॉरी द्रव में गैस घोलने से अपना जो कोलाइड तैयार हुआ है वो कोलाइड। जैसे इसका एग्जांपल भाई, झाग किसके बनते हैं? साबुन के बनते हैं। तो आप इसका एग्जांपल बताइए, साबुन का जलीय विलयन, ये साबुन का जलीय विलयन। सोडा वाटर, जो सोडा वाटर होता है, जितने भी लिक्विड जो पेय पदार्थ होते हैं वो सारे इसके एग्जांपल। सोडा वाटर आप जैसे खोलते हैं तो उसमें से गैस, द्रव के अंदर गैस भरी हुई है तो वो बाहर निकलती। तो ये सारे एक प्रकार के फोम प्रकार के क्या है? कोलाइड। नेक्स्ट पांचवें प्रकार का कोलाइड, इस बार आप द्रव में क्या बोलेंगे? द्रव बोलना। तो जो कोलाइड बनेगा उसका नाम होगा पायस। इसको आगे अपन डिटेल से और पढ़ेंगे पायस के बारे में। या इसका एक दूसरा नाम और होता है इमल्सन। ये नया मैंने नीचे लिख दिया इमल्सन। जैसे इसका कोलाइड कैसे तैयार करें? द्रव में द्रव ही घोलना है तो आप पानी में तेल मिला लीजिए। जैसे अपन पानी में, जैसे मान लीजिए सरसों का तेल है, बालों में डालते हैं, वो आप कभी पानी में घोल करके देखिए तो आप कहेंगे कि वो तो घुलता ही नहीं है, उसका कोलाइड कैसे बना? हथेली पर दो बूंद पानी के लीजिए, एक बूंद उसमें तेल की डालिए, अलग अलग रहेंगे, पानी अलग रहेगा तेल अलग रहेगा। फिर आप उसको क्या कीजिए, अच्छी तरह से रगड़ लीजिए तो जो तेल और पानी है वो दोनों मिल जाएंगे अच्छी तरह से, और उनसे क्या तैयार होगा? कोलाइड तैयार होगा जिसका नाम होगा इमल्सन, या आप उसको क्या बोल सकते हैं? पायस बोल सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? इजीली याद रहने वाला एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, जल प्लस तेल का मिश्रण। इसके अलावा अपने दैनिक जीवन में दूध, दूध एक प्रकार के पायस का एग्जाम्पल। इसके अलावा जितने भी लिक्विड पीने वाली जो औषधियां आती हैं, सॉलिड वाली टेबलेट्स नहीं, लिक्विड जो पीने वाली औषधियां होती हैं वो सारे पायस के उदाहरण होते हैं। एग्जाम्पल लिखते ना, पेय औषधियां सभी किसके उदाहरण होंगे? इमल्सन या पायस के एग्जाम्पल होंगे। चलिए आगे चलते हैं, छठे प्रकार का कोलाइड, इस बार अपने को द्रव में क्या विलय करना है? ठोस। लिक्विड में ठोस बोलना है। अब आप ये मत कहना कि पानी में नमक घोल दे, पानी में नमक घोलने से कोलाइड नहीं बनता है, विलयन बनता है। अपने को बनाना क्या है? कोलाइड। पहले देखते हैं इसका नाम। अगर आपने द्रव में ठोस बोला है तो उसका नाम ये होगा सोल। ठोस में ठोस बोलेंगे तो ठोस सोल, और द्रव में ठोस बोलेंगे तो उसका नाम केवल क्या होगा? सोल होगा। ये ध्यान रखना, आप एक ठोस सोल है और ये क्या है? केवल सोल। जैसे द्रव में कौन सा ठोस बोलेंगे भाई? आप, मैं ये कह रहा हूं कि आप नमक नहीं बोल सकते, चीनी नहीं बोल सकते, तो फिर घोले क्या? ऐसा पदार्थ घोलो जो आसानी से नहीं घुले। जैसे पानी में तेल घोला मैंने, आसानी से नहीं घुल रहा था तो उसका कोलाइड बनेगा। तो पानी में जैसे धातुएं हैं, धातुएं नहीं घुलती हैं। जैसे लोहे को डाल दो पानी में नहीं घुलेगा, सोने की छड़ को डाल दीजिए, चांदी की कोई भी धातु डाल दीजिए, पानी में घुलता नहीं है, तो फिर उसको अपने को घोलना पड़ेगा। इनके बनाने कोलाइड बनाने की विधियों में आप सोच रहे होंगे कैसे घुलेगा? घुल सकता है, आगे पढ़ेंगे। कोलाइड बनाने की एक विधि आएगी ब्रेडिंग आर्क विधि, उस विधि से घोल सकते हैं। तो इसमें आप सारे वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मैंने सोने को गोल्ड को पानी में घोल दिया, बन गया कोलाइड। उसका नाम आप बोल सकते हैं गोल्ड सोल। आयरन को लोहे को घोल दिया, आयरन सोल। चांदी को घोल दिया, सिल्वर सोल। लिख दो एग्जाम्पल। गोल्ड का प्रतीक होता है AU, तो मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं AU सोल। प्लेटिनम को घोला है अपने PT सोल। कोई भी एग्जाम्पल लिख दीजिए, कोई भी धातु घोल सकते हैं। जैसे आयोडीन घोल दी मैंने, आयोडीन सोल। सल्फर घोल दिया, सल्फर सोल। तो इससे इसके एग्जाम्पल, सोल के एग्जाम्पल याद रखने में मेरे ख्याल से कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं। छह प्रकार के हो गए। अब माध्यम अपन चेंज करके कौन सा करेंगे? गैस। दो ही लिखे मैंने, आप ये मत सोचना कि दो ही आ रहे हैं, नीचे जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखा है। दो ही बनेंगे क्यों?
तीसरा बनेगा नहीं, इसलिए बने विलयन बने थे 9 प्रकार के और कोलाइड केवल 8 प्रकार के बने। अभी आपको पता लग जाएगा क्यों नहीं बनेंगे। गैस उसी क्रम में ले लें, पहले गैस फिर द्रव फिर ठोस, तीनों बोलने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं गैस में गैस बोल देता हूं, लेकिन आप कोई भी दो गैस लेंगे ब्रह्मांड में उपस्थित, अगर कोई भी दो गैस लेकर के उनको अगर घोलेंगे तो उनको घोलने से हमेशा उनका समांगी मिश्रण तैयार होगा, विलयन तैयार होगा। ऐसी कोई दो गैसें नहीं है जिनको घोलने से विषमांगी मिश्रण यानी कोलाइड बन जाए, यानी गैस गैस का कोई कोलाइड तैयार होगा ही नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये केवल कितने प्रकार के हैं, 8 ही प्रकार के। तो अब अपन गैस में क्या बोल देते हैं, द्रव्य बोल देते हैं, और फिर आप गैस में क्या बोल देना, ठोस बोल देना। ये कोलाइड हो गए 8 प्रकार। पहले अपन गैस में द्रव्य बोलते हैं तो अपना जो कोलाइड तैयार हो, गैस में बोल रहे हैं सोल, लिक्विड बोल रहे हैं तो उसका नाम, एयर में बोला है ना तो उसका नाम हो जाएगा एरोसोल। फिर से देखो नाम आ गया सोल, या उसको आप एरोसोल देखिए, या तो जैसे एयर के नाम से हो गया एरोसोल, या फिर उसको हिंदी में जैसे वायु कहते हैं तो आप उसको वायुसोल भी बोल सकते हैं, उसको आप बोल सकते हैं वायुसोल। एक ही बात है, चाहे आप एयर सोल बोलें या वायुसोल बोलें। जैसे इसका एग्जांपल है जैसे कोरा, यहां पर नीचे जगह नहीं है तो मैं बोल करके बता दूं, कोरा है बादल। अपन फसल में जो कीटनाशक स्प्रे करते हैं वो भी एक प्रकार का ये कोलाइड बनता है, तो नॉर्मली इजीली याद रह जाएगा कोरा बादल, ये याद रह जाएंगे यार, कीटनाशक शाकनाशी का स्प्रे ये बोल सकते हैं। और लास्ट प्रकार का कोलाइड अपना आ गया, कौन सा आ गया, गैस में क्या बोल दीजिए, ठोस बोल दीजिए इस बार। तो इस बार जो कोलाइड बनेगा उसका नाम होगा ठोस का वायुसोल, ध्यान देना, दिखाई दे रहा होगा नीचे तक मेरे ख्याल से, जो कोलाइड बनकर के तैयार हुआ है उसका नाम है ठोस का वायुसोल। गैस में हमने क्या घोल दिया है, ठोस घोल दिया, और इसका एग्जांपल तूफान, आंधी आती है तूफान आती है तो धूल मिट्टी के बहुत सारे कण, ठोस कण, बारीक कण जो अपने को दिखाई देते हैं वो तो निलंबन के कण होते हैं, बारीक कण होते हैं जो अपने को दिखाई नहीं देते वो वायु में घुलते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं तूफान, तूफान के दौरान जो कार्बन है धूल मिट्टी के जो बारीक कण होते हैं वो वायु में यानी वायुमंडल में घुलने से कोलाइड तैयार होता है, और वो जो कोलाइड बना है वो क्या बन गया है, ठोस का वायुसोल बन गया। तो ये कोलाइडों के प्रकार हो गए, 8 प्रकार के कोलाइड अपने कंप्लीट हुए। देख लीजिए जैसे विलयन बनाए थे ठीक उसी प्रकार से विलयन अपने थे 9 प्रकार के टोटल, और ये केवल बने हैं 8 प्रकार के। इनके नाम है ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, मोस्टली एक तो ये वाला जो कोलाइड है, एक ये वाला कोलाइड, ये जो कोलाइड है ये अपन बार बार बनाएंगे, बार बार काम में आएंगे, तो इनको तो आप विशेष ध्यान में रखेंगे कि दो लिक्विड लिक्विड को घोलने से जो कोलाइड बनता है वो पायस होता है, और लिक्विड में सोलिड घोलने से जो कोलाइड बनता है वो सोल होता है। तो इन दोनों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अपने ज्यादा यूज में आएंगे, कोलाइड में ये बार बार आएंगे इसलिए। फिर दूसरे प्रकार का आज का वीडियो में मेरे ख्याल से इतना ही काफी है, क्योंकि लगभग 18-20 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे क्योंकि अगर एक क्लासिफिकेशन और जोड़ेंगे तो फिर आधे घंटे से ऊपर चला जाएगा। हालांकि दूसरा क्लासिफिकेशन थोड़ा छोटा ही है, मैं इसमें जोड़ना चाहता था लेकिन टाइम एक्स्ट्रा होने के कारण उसका अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद।